लर्निंग मार्केट इज महेश में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे और मैं अभी ये एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा साउंड वगैरह का इशू हो सकता है, उसके लिए माफ़ करिएगा। हो सकता है थोड़ा साउंड में क्लैरिटी कम रहे, बट प्लीज़ इग्नोर दैट एंड जल्दी से ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। उसके बाद मैं वेकेशन पर निकल रहा हूँ तो मेरे को टाइम मिला नहीं बनाने का, मैं बस ये एयरपोर्ट पर जस्ट शूट करके ख़त्म करूँ इसको। हाँ, आज का क्या डिस्कशन था वो देख लेते हैं, कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा ये देख लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और मार्केट को कैसे लोगों ने प्ले करने की कोशिश करी है। दूसरा चीज़ ये कि देखिए क्या होके रखा है ना कि चूँकि अभी वॉल्यूम बहुत कम है, तो वॉल्यूम बहुत कम होने से क्या होता है ना कि वॉल्यूम जब भी कम रहता है मार्केट में तो यूजुअली बायस क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइड का बढ़ जाता है मार्केट का। क्यों पॉजिटिव साइड का बढ़ जाता है? बिकॉज क्या होता है कि शॉर्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं एंड एक्सपायरी के जस्ट पहले उनको अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने हैं, तो उसके कारण वो ऑलरेडी ट्रैप्ड है, तो वो जब भी मार्केट में थोड़ा भी डिप मिलता है वो पोजीशन अपने काटने की कोशिश करते हैं, उसके कारण क्या होता है मार्केट थोड़ा सा और ऊपर शूट करते जा रहा है। तो ये एक अभी सिचुएशन चल रहा है। अब आते हैं कि क्या डिस्कशन था हमारा आज का, कल के लिए क्या डिस्कशन है ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो पहले आते हैं कि आज का क्या डिस्कशन था ये देख लेते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन था कि निफ्टी सस्टेंस ऑफ 21380 की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 21450 480। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका हाई भी उसी रेंज के आसपास लगा है आपका, वो 478-479 के आसपास का ही इसका हाई है। सुबह इसने 380 क्रॉस किया एंड क्रॉस करते इमीडिएटली वही 450 का जोन इसने पहले निकाल दिया एंड फिर 480 के पास अपना डबल टॉप बना के थोड़ा सा डिप दिया है, राइट। तो ये सब मूवमेंट मिला। एंड अगर आप नोटिस करेंगे बैंक निफ्टी का क्या डिस्कशन था, बैंक निफ्टी सस्टेंस ऑफ 47600 कीप प्लेइंग स्टॉप लॉस 47750 850। अगर आप बैंक निफ्टी में भी आएंगे तो आपको मोटा मोटी उसी रेंज का मूवमेंट मिला है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जैसे ही 600 के ऊपर निकला तो पहले भी एक बार मूवमेंट दिया, फिर अभी टुवर्ड्स द एंड भी ये मूवमेंट दिया एंड वही 830-840 के आसपास हाई लगाया। बट प्रॉब्लम क्या आई, इतना वॉलेटाइल था ये एंड टुवर्ड्स द एंड ये पूरा साइडवेज हो गया, जिसके कारण क्या फिर निफ्टी के प्रीमियम लोगों के बहुत डिके हुए होंगे एंड उसके कारण क्या होगा फिर निफ्टी के ट्रेडर्स बहुत ट्रैप हुए होंगे। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया है। फिर निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था कि एक तो पहला बात कि जब तक 260 के ऊपर ना निकले तब तक करना ही नहीं है, और मैंने ये लिखा भी था 180-260 के रेंज में अवॉइड करिए। एंड ये पूरे दिन 260 के ऊपर जाता था 10-15 पॉइंट फिर रिवर्स कर जाता था, 10-15 पॉइंट जाता था रिवर्स कर जाता था, तो काफ़ी इससे परेशान किया है ट्रेडर्स को। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी वॉल्यूम कम है एंड बैंक निफ्टी शूट भी कर रहा था फिर निफ्टी गिर रहा था, और स्टॉक्स वगैरह का हमारा डिस्कशन था तो उसके भी मूवमेंट्स ठीक ठाक मिले, लेकिन बस वही है कि बड़े मूवमेंट कुछ मिले नहीं। और फिर मैंने 10:30 के आसपास डाला कि जो लोग लॉन्ग ट्रेड में हैं या तो बुक कर लीजिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए 10:27 पे, क्योंकि सुबह जो प्रीमियम मिल जाता है ना वो फिर दोबारा नहीं मिलता है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 10:27 पे मैंने जब ये डाला था तो मार्केट ये रेंज में ही था, बैंक निफ्टी में भी अपने हाई के पास एंड आपके निफ्टी में भी आपके ऑलमोस्ट 10:27 पे इसी रेंज में था 450 के आसपास। तो ये मोटा मोटी आप समझिए उस जोन में, हाई जोन के पास ही मैंने बुक आउट करने बोला। अब हाँ, हो सकता है और 5-10 पॉइंट ऊपर गया हो, कुछ लोग बोलेंगे सर वो 5-10 पॉइंट हमारा मिस हुआ, बट यार वो 5-10 पॉइंट के लिए ना ट्रेड नहीं किया जा सकता, प्लान नहीं किया जा सकता। ट्रेड तो किया जा सकता है, प्लान नहीं किया जा सकता उसको कि हम किस तरीके से उसको प्ले कर पाएंगे, राइट। ये होता है इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद फिर मैंने लिखना ही छोड़ दिया, फिर मैंने यही लिखा कि बैंक निफ्टी सी साइड में प्रीमियम फ्यूचर 10:48 पे कि अचानक से फ्यूचर्स में और सी साइड में प्रीमियम ज़्यादा ऐड हो गए हैं, ये एडजस्ट करेंगे। एंड ये लोगों ने ना उसके बाद एडजस्ट किया, खाली पूरे दिन इसको खाली एडजस्ट किया इन लोगों ने, प्रीमियम को कुछ नहीं किया इन लोगों ने, अप डाउन करके खाली प्रीमियम्स को एडजस्ट किया है एंड टुवर्ड्स द एंड फिर भी प्रीमियम्स ऐड होके गए हैं। ये बहुत ख़राब सिग्नल है, क्योंकि दो दिन में प्रीमियम्स ख़त्म होने हैं। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया तो बेचारे कॉल पुट बायर्स का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कॉल बायर्स का प्रीमियम सिर्फ डिके में ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला चीज़ है कि प्रीमियम बहुत हाई है अननेसेसरी। अगर कॉल बायर कोई है भी तो नेक्स्ट एक्सपायरी में करे तो ज़्यादा समझदारी होगी, इस एक्सपायरी में थोड़ा सा उसको दिक्कत हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाके भी हो सकता है प्रीमियम ना पड़े। डजेंट मीन कि पुट बायर का पैसा बनेगा, लेकिन कॉल बायर को भी ट्रैप करने का पूरा कोशिश करके रखा गया। हो सकता है 100 पॉइंट मार्केट बढ़े एंड कॉल में प्रीमियम 10 पॉइंट ही बढ़े, तो वो एक प्रॉब्लम सिचुएशन फेस हो सकता है, कल हो या फिर थर्सडे को पता नहीं, लेकिन होगा जरूर ये फेस, तो वो देखते हैं अपने, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं कि कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। देखिए पहला चीज़ तो वॉल्यूम कम है, सारे बड़े ट्रेडर्स छुट्टी पे हैं, मैं खुद छुट्टी पे निकल रहा हूँ, वेकेशन वगैरह मना के ही आएंगे, फिर भी किसी को अगर ट्रेड करना है तो कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको ध्यान रखिएगा। 425 नीचे में एंड 475 ऊपर में, ठीक है।
ये रेंज को अवॉइड करना है आपको, 441 की एवरेज क्लोजिंग है। 425 के नीचे अगर निकलता है ना, तो ये जो मार्केट ने ऐसे ये जो ब्रेकआउट करने की कोशिश की है उसको फिर ये टर्न भी कर सकता है, जिसका फर्स्ट लेवल आएगा 370 के पास, सेकंड लेवल आएगा आपका 330 के पास। तो क्या लेवल ध्यान रखने हैं हमको, 21425 के नीचे अगर मार्केट टिका तो 370 फिर 330, ये रेंज में आपको मूवमेंट मिल सकता है। अपसाइड का क्या लेवल ध्यान रखना है, 21475, इसके ऊपर निकलेगा तो ही कोई अपसाइड का ट्रेड बनेगा, एंड बना तो वो 21550 600 तक भी ड्रैग कर सकता है मार्केट को, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक में, पहले एक लेकिन निफ्टी का ऑप्शन डाटा देख लेते हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन डाटा, अच्छा काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक पूछते हैं, देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, ज्वाइन करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, बट हमारे नाम से बहुत फेक चैनल्स हैं एंड काफ़ी चैनल्स ऐसे भी हैं जो हमारे मैसेजेस कॉपी करके अपने चैनल पर डाल देते हैं, बट उसमें वो इन्वेस्टमेंट प्लान आपको बिटकॉइन का स्कीम ये वो बेचते हैं, भाई वो सब मेरा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान बोले 4 घंटे पैसा डबल हो जाए, सब फ्रॉड होते हैं, उनसे दूर रहिए। अब आते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा क्या कहता है, तो 21500 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 450-400 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, राइट। पुट राइटिंग में देखेंगे तो 21500 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 120,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। अगर किसी कारण से मार्केट टिकता है ना बिलो 21425, तो ये जो 21500 पे इन द मनी पुट राइटर्स हैं 84 पॉइंट प्रीमियम के साथ, इनका प्रीमियम शूट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, एक शॉर्ट कवरिंग मूव सॉरी लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो सकती है। तो 425 के नीचे केयरफुल रहना है हमको, एंड अपसाइड में क्या केयरफुल रहना है अपने को, 475 के ऊपर, क्योंकि 180,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइड करके ये लोग बैठे हैं 21500 पे, एंड डाइसी मूव है। क्यों? क्योंकि इतने जो एग्रेसिव राइटर्स बैठे हैं, अगर ये अनवाइंडिंग को जाएंगे तो कितना शार्प अप मूव मिल सकता है आपको, राइट, वो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक में क्या ध्यान रखना है, निफ्टी बैंक में ध्यान रखना है कि वही आप मान करके रखिए आप 840 का लेवल ऊपर में एंड 680 का लेवल नीचे में, ठीक है। तो या तो 680 का लेवल नीचे में मार्क करके रखिए या फिर 840 का लेवल ऊपर मार्क करके रखिए। अगर 830 के ऊपर निकला तो 830 के ऊपर निकलेगा तो ये 47,900-48,000 तक मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। क्या ध्यान रखना है कि 47,830 के ऊपर मार्केट निकलेगा आपको एक मूव अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, 47,900-48,000 भी मार्केट टच करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो राउंड नंबर है, मार्केट उसकी तरह बार बार अट्रैक्ट हो रहा है, एंड 48,000 पे कुछ पुट राइटिंग भी है, तो हो सकता है मार्केट उधर पुल करने की कोशिश भी करे। तो 830 के ऊपर निकला तो 48,000 तक मार्केट मूव करने की कोशिश कर सकता है डाउन साइड में, लेकिन अगर 630 के नीचे गया ना तो ये जो मूव आया है आज का वो निगेट हो जाएगा, एंड 680 के नीचे ये वापस 47,500 तक स्लाइड कर सकता है, वो लेवल ध्यान रखिएगा। एंड अगर उस साइड का मूव मिला तो देख लीजिएगा 47,500 और 450 ये जो जोन है ना, ये 2-3 दिन से नहीं तोड़ रहा है, अगर इसको तोड़ता है तो फिर क्या अच्छा ब्रेकडाउन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने। अब आते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन क्या कहता है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन देखेंगे तो 47,500-400 सब पे पुट कॉल राइटिंग है, 47,800 पे भी है, 48,000 तो बड़ी कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग अगर आप नोटिस करेंगे तो 48,000 पुट राइटिंग भी है, 47,800-900 सब पे पुट राइटिंग। अब होके क्या रखा है कि थोड़ा सा भी नीचे का गया ना, 680 के नीचे का जाने लगा तो ये सारे इन द मनी पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे, और उसके कारण क्या शार्प मूव आपको डाउनसाइड का दे सकते हैं 47,500, फिर उसके बाद और नीचे का मूव आपको दे सकते हैं। अगर 47,500 भी टूटा तो बड़ा फॉल पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट की पोजिशन बैठी हुई है। अपसाइड में जैसा होता है 830 के ऊपर निकला तो पहले क्या 47,700 के कॉल राइटर्स, फिर 800 के, फिर 900 के, फिर 48,000 के, सबके कॉल राइटर्स धीरे धीरे उड़ते जाएंगे, उसके कारण क्या होगा एक शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ मॉडर्न स्टॉक्स की बात कर लें, ज़्यादा स्टॉक्स की बात नहीं करूँगा, 2-3 स्टॉक्स की बात करूँगा। HDFC बैंक 1685 का लेवल इसमें क्रुशल रहेगा, 1685 के ऊपर एक अच्छा खासा अपमूव है, 1680 के नीचे जाता है तो ये अपमूव जो चल रहा था वो नेगेट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ICICI बैंक आज स्ट्रेंथ इसने नहीं दिखाया, 990 क्रुशल लेवल रहेगा, जब तक 990 नहीं टूटता शॉर्ट नहीं बनेगा, 1000 के ऊपर ही लॉन्ग बनेगा, तो ये रेंज जब तक नहीं टूटता है इसमें कोई डायरेक्शनल ट्रेड शायद ना बने। इन्फी आज थोड़ा सा वीक हुआ बिकॉज ऑफ न्यूज़, उसके बाद फिर बाउंस किया है, बट 1540 का लेवल मार्क करिएगा, 1540 के नीचे जाता है तो और वीकनेस इसमें आ सकती है। रिलायंस इस एक्सपायरी में इसने बहुत लॉन्ग पोजीशंस बने हुए हैं, अगर ये 2570 के नीचे जाता है तो 2570 के नीचे ये टूट सकता है, बट जब तक इसके ऊपर है पॉजिटिव बायस इंटैक्ट रखिएगा आप लोग। गोल्ड एंड सिल्वर, देखिए गोल्ड का तो कैसा है अभी थोड़ा सा डिप दे रहा है, बट जब तक 62,500 के ऊपर है ना पॉजिटिव बायस ही रखना है, एंड सेम चीज़ सिल्वर का, जब तक 75,000 के ऊपर है तो बायस पॉजिटिव है इसमें। अगर हम देखेंगे इसका बात अगर क्रूड का, तो जैसा मैंने सुबह लिखा था 6200 क्रूशल है, 6200 के ऊपर अच्छा खासा शूट किया है, जब तक ये 6260 के ऊपर है पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रखिए और उसको ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।